हेलो बच्चों, मैं हूं जेके सर। आपके सामने बहुत बड़ा अच्छा हाई स्कूल के लिए कक्षा 10 के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न लाया हूं। जैसा कि प्रश्न आपको दिख रहा है बेटे, एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेमी और ऊंचाई 10 सेमी को पिघलाकर आधार की त्रिज्या 2 सेमी और ऊंचाई 5 सेमी वाले कितने लंब वृत्तीय शंकु बनाए जा सकते हैं। तो लंब वृत्तीय बेलन, जैसा कि आपको दिख रहा है, लंब वृत्तीय बेलन जिसके दो आधार होते हैं और दोनों आधार समान होते हैं, आधार यानी कि वृत्त के आकार का होता आधार, ठीक है। तो आधार की त्रिज्या इस बेलन को पिघलाकर, इसके आधार की त्रिज्या 4 सेमी है और ऊंचाई 10 सेमी है, इसे पिघलाकर वनासंग इसे पिघलाकर बना संघ जिसकी ऊंचाई 5 सेमी और आधार की त्रिज्या 2 सेमी है, इसे पिघलाकर ऐसे संघ को कितने बनाए जा सकते हैं। तो पहले जो दिया है वो लिख लेंगे हम। बेलन की त्रिज्या कैपिटल आर बराबर 4 सेमी दे रखी है, बेलन की ऊंचाई को हम कैपिटल एच मान लेंगे जो भी दे रखी है 10 सेमी, और लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या आधार की त्रिज्या दे रखी है स्मॉल आर बराबर इस कैपिटल 2 सेमी दे रखी है, स्मॉल आर बराबर दे रखा 2 सेमी, और इसकी ऊंचाई शंकु की ऊंचाई दे रखी है स्मॉल एस बराबर, मान लेंगे इसे हम स्मॉल एस बराबर दे रखा है 5 सेमी। तो ये बताया गया है आपको कि आयतन एक शरीर होता है, बॉडी के शरीर को पिघलाकर शरीर बनना है बच्चों, शरीर को पिघलाकर शरीर बनाया जा रहा है। अगर हमें शंकुओं की संख्या निकालनी है तो बेलन के आयतन में हमें एक छोटे शंकु के आयतन का भाग देना पड़ेगा, तो फॉर्मूला भी यही है कि शंकुओं की संख्या बराबर बेलन का आयतन। बेलन का आयतन बटे शंकु का आयतन, जिससे कोई दूसरी वस्तु बनती है उसका आयतन ऊपर रखा जाता है, और जो बनता है पहले वाले से उसका आयतन नीचे रखा जाता है, क्योंकि बेलन से शंकु बनने हैं ना कि शंकु से बेलन, बेलन से शंकु बनने हैं। तो बेलन का आयतन ऊपर आएगा अंत में और शंकु का आयतन नीचे हल में आएगा। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई गुणा त्रिज्या का वर्ग गुणा ऊंचाई। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, यानी कि शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है, यानी कि 1/3 होता है। तो पाई से पाई खत्म कर देंगे, ये चौथा वाला है यानी कि बराबर नीचे होता है तीसरा और चौथा, चौथा वाला पहले के बाद चला जाएगा क्योंकि चौथे को पहला पसंद है, इसलिए ये 3 ऊपर चला जाएगा। यहाँ हम आर की वैल्यू रख देंगे, यानी 3 ऊपर आ जाएगा तो 3 × आर का मान दिया 4, तो 4 का स्क्वायर गुणा एच का दिया है 10, कैपिटल एच का मान 10 दिया 10 रख देंगे, अपॉन नीचे स्मॉल आर का मान दिया 2, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, और इधर स्मॉल एच का मान दिया है 5 रख देंगे। यहाँ ये 5 × 5 = 10, यानी 5 × 5 = 10, और इधर हमारा हो जाएगा 3 × 4 का स्क्वायर होता है 16, यानी कि 16 गुणा में 2 और आ जाएगा अपना, और बट्टे हमारा इधर रह जाएगा 2 का वर्ग होता है कितना 4, 4 से ये कट जाएगा, 4 × 4 = 16,
इसलिए हमारा मान रह जाएगा 3 × 4 × 2, यानी कि 2 × 8 = 24। 24 शंकु बनकर तैयार होंगे, बेलन को पिघलाकर 24 शंकु बनकर तैयार होंगे। यही हमारा आंसर था और यही हमें लाना था।